छतरी पे आ जाओ, छतरी पे आ जाओ रश्मि जी, छतरी पे आ जाइए ना, छतरी पे आ जाओ। हाँ उधर अच्छा, इनका गाड़ी ले लेते हैं, ले लेते हैं। राजा भाई मेरा फ्लैश ऑर्डर है आपके। राजा भाई मेरा फ्लैश ब्लॉक हो रहा है। रश्मि जी बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरा टू फ्रैक्चर्ड है, ज्यादा खड़ी। मैडम जी एक मिनट, मैम क्या हो गया? मैडम जी यहाँ देखिए। वाह मैडम थैंक यू थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। मैम एक फोटो। वेट हर्षी जी वेट, बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद तुम लोग भी तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। हर्षी जी थोड़ा साइड पे आ जाइए, बहुत मेरा लहंगा गंदा हो जाएगा। अरे पहले कैमरा निकाल के रखना था ना। सारे दिन तो बताओ बताओ मैंने खराब हो जाएगा तो क्या करूँगी। हाँ इतना फास्ट खराब हो जाएगा तो क्या करूँगी। मेहंदी का बता दो क्या प्लान है। कुछ नहीं, आज राहुल की शादी का फंक्शन है और खूब एंजॉय करने वाले। शादी है भाई, शादी है तो शादी में एंजॉय करेंगे। आवाम नहीं जानना चाहती अर्शी जी आपकी शादी कब हो रही है। मेरी शादी बहुत जल्दी होगी, डोंट वरी, जल्दी होगी जल्दी। अर्शी जी वेट है क्या? अच्छा महंगा भी तो है। महंगी चीज हमेशा अच्छी लगती है। महंगा हुआ महंगा नहीं, ऐसा नहीं है कि महंगी चीज अच्छी लगती है। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ जी मैं बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। किस चीज के? जिसकी शादी में आया था। ओ अभी मुझे उससे जाकर मिलना है कि राहुल तूने क्या किया, क्या किया राहुल, शादी क्यों कर ली इतनी जल्दी? कर ली यार, अच्छी बात है, अल्लाह सलामत रखे उनकी जोड़ी को। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि बिग बॉस की हिस्ट्री के अंदर 4 महीने के बाद ही निकल के जिसने प्रपोज किया वो शादी कर लिया, तो आई एम वेरी हैप्पी। और क्या, सच्चा प्यार ही तो होना चाहिए ना। सबको नहीं मिलता तो गिफ्ट लेके आएंगे ना आप? हाँ गिफ्ट राहुल जी के लिए। नहीं मैं गिफ्ट क्या गिफ्ट दूंगी उसको, शेयर दूंगी ना। थैंक यू थैंक यू। अगला धमाल होने वाला अंदर बिग बॉस वाले। हाँ 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 डेफिनेटली। चलो चलो बाय बाय बाय। क्या बात है, क्या बात है। एक बार इधर भी रुक जाइए थोड़ा। आवाम 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 से कुछ कहना चाहोगे? आवाम सब जानती है। वही बाय बाय, संभालो लहंगा।